नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का साइबर अप सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिक्रीज होने के रीज़न के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज ना होकर डिक्रीज क्यों हो जाती है, तो जानने के लिए पूरी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली 2-4 दिन से बैंक की तरफ से कस्टमर के पास ईमेल और SMS आ रहे हैं, जिसमें ये लिखा है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 1 लाख रुपए से घटाकर 20,000 रुपए कर दिया है, या फिर 2 लाख रुपए लिमिट से घटाकर 30,000 रुपए कर दिया है। दोस्तों, 2-4 दिन पहले मेरे पास भी ऐसा ही एक मैसेज आया था महिंद्रा कोटक बैंक की तरफ से। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यही वो मैसेज है। और ये मैसेज आया था मेरे पास 15 अप्रैल को सुबह 9:07 पे, और आप लोग भी देख सकते हो इस मैसेज पे लिखा है कि मेरी लिमिट को 1,20,000 से घटाकर सिर्फ 23,000 रुपये कर दिया है। और यहाँ पर कोई भी रीज़न नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है इंटरनल पॉलिसी। तो दोस्तों, आप लोग भी चेक कर लीजिए, क्या पता बैंक ने आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को भी घटा दिया होगा। दोस्तों, मेरे पास टोटल 8 बैंक का 8 अलग अलग क्रेडिट कार्ड है, जिसमें से सिर्फ महिंद्रा कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को घटा दिया है। बाकी 7ों क्रेडिट कार्ड की लिमिट जितनी थी अभी भी उतनी ही है। लेकिन मेरे दोस्त के पास RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड है और एक कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड है, लेकिन उसका कोटक महिंद्रा बैंक का लिमिट जितना था उतना ही है, लेकिन RBL बैंक के लिमिट 3 लाख रुपये से घटाकर 35,000 रुपये कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसा हर किसी के साथ नहीं हो रहा है और ना ही सभी बैंक ऐसा कर रहे हैं। कुछ बैंक कुछ कस्टमर के क्रेडिट कार्ड के लिमिट को घटा दिया है। दोस्तों, अगर आपके भी क्रेडिट कार्ड के लिमिट को घटा दिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी बैंक के क्रेडिट कार्ड है, पहले कितनी लिमिट थी और अब कितनी लिमिट है। तो चलिए जानते हैं बैंक ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज क्यों कर दिया। दोस्तों, बैंक ने अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल रीज़न तो नहीं बताया है, सिर्फ इतना बोला है इंटरनल पॉलिसी की वजह से टेम्पररी बेसिस पे ऐसा किया गया है। परमानेंटली आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को डिक्रीज नहीं किया गया, सिर्फ कुछ दिनों के लिए डिक्रीज किया गया है, तो आप लोग चिंतित ना हो। दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिक्रीज करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, इकोनॉमी डाउन, फाइनेंशियल क्राइसिस। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और आगे भी चल सकता है। इस दौरान लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लोगों की इनकम सोर्स टोटली बंद हो चुका है। इसलिए शायद बैंक ने ऐसा किया है कि बहुत लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है और इस दौरान अगर लोग ज़्यादा पैसे को यूज़ कर लेते हैं तो फिर लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा होगा ही नहीं तो लोग पेमेंट कहाँ से करेंगे। अगर कोई कस्टमर किसी भी क्रेडिट कार्ड के बिल या फिर EMI 90 दिनों तक पेमेंट नहीं करता है तो वो सारा पैसा NPA में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो भी पैसा NPA में जाता है, बैंक के रिकवरी टीम कुछ कस्टमर से पैसे रिकवर तो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर पैसा ही डूब जाता है और बैंक बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इस सिचुएशन में बैंक का कोई नुकसान हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बैंक ने घटा दिया है तो बिल्कुल भी चिंतित ना हो। लॉकडाउन खुलने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको भी लिमिट वापस मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है तब भी आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक आपको कितना लिमिट देगा वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में जो भी डाउट था वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।